सर मेरा नाम गुरप्रीत सिंह अजीत सिंह लबन है और मेरी बहन है, इनकी मम्मी यानी मेरी मासी यहाँ पे 15 से 20 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थी और बिल का इशू था जो मतलब फ्री इलाज क्या बोल के और अप्रूवल राशन कार्ड का कुछ अप्रूवल का इशू था उसके चलते बिल पे नहीं कर पा रहे थे। तो अप्रूवल नहीं हो रहा था तो बिल पे करने को बोला तो बिल पे नहीं कर पा रहे थे। आमदार कुमार एलानी जी उनके पास गए थे ये लोग तो उन्होंने कुछ मदद नहीं किया। ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेने का था, बिल नहीं भर पा रहे थे लोग तो ये लोग गए थे कुमार जी के पास। तो कुमार जी ने इनका मतलब कोई मदद नहीं किया, कोई सहायता नहीं किया। तो ये लोग मुझे बताया ऐसा सा प्रॉब्लम है, तो मैं संजय गुप्ता जी के सर के पास में गया, उनको बताया ऐसा सा प्रॉब्लम है। तो इनके वजह से आज हमारा पेशेंट रिलीज हुआ है, इन्होंने बहुत मतलब हमारा मदद की है। कितना बिल था आपका और कितना पैसा भरा? 57,000 था और अभी कुछ भी नहीं भरा। अभी संजय गुप्ता जी ने मतलब फ्री करवा के और रिलीज करवा के दिया पेशेंट को। सर यहाँ पर ना मुझे बोला गया आपका एप्रोन पास हो गया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विमला लबाना है और पे रहते हैं आप? 4 नंबर उल्लासनगर 4 में। क्या हुआ था? यहाँ पर मम्मी की तबीयत खराब थी, मैं 15 तारीख को शाम को यहाँ पर लाई थी पर लेकिन यहाँ पर इन्होंने लिया, लेने के बाद मुझे बताया नहीं कि तुम्हारा राशन कार्ड और आधार कार्ड में इशू है, नहीं बताया गया। मुझे 8 दिन के बाद बताया गया और तभी राशन ऑफिस बंद थी 4 दिन, फिर भी मैंने इनको 26 तारीख को 1 दिन में बना के ला कर दिया है। फिर भी ये लोग ने बोला अभी आपका एप्रोन पास नहीं हुआ है, पास हुआ हुआ करके बाद में बोलते नहीं हुआ है, अभी पैसा भरो। हम 57,000 कहाँ से भरेंगे, गरीब आदमी, हमारे पास पैसा होता तो हम यहाँ नहीं आते, हम मुल्स पार्टी सुन के यहाँ पर आए। और फिर मम्मी को हमने बिल बोला नहीं है तो शनिवार से लोग ने मम्मी को जर्नल वार्ड में लिया और गोली दवाइयाँ कुछ भी नहीं दी, मेडिसिन भी नहीं दिया, सब बंद कर दिया इन लोग ने। उसके बाद में इन लोग ने दवाई नहीं दी, रात को 3 बजे मेरी मम्मी बहुत सीरियस हो गई, फिर भी इन्होंने हमको फ़ोन करके इतना नहीं किया कि आपकी मम्मी सीरियस हो गई है। हम दूसरे दिन आकर देखे तो हमारी मम्मी ICU में थी और वेंटिलेटर में थी। पेशेंट का क्या नाम है? भागीपुरा। फोन भी नहीं किया लोगों ने। अभी हॉस्पिटल वाले कहते हैं बिल भरो तो लेके जाओ, हम गरीब आदमी के पास बिल नहीं है, हम सुन के आए थे यहाँ बिल नहीं है इसीलिए हम यहाँ लेकर आए थे, नहीं तो हमको पैसा होता तो हम प्राइवेट में जाते। जब उसको तकलीफ हुई, पेट में तकलीफ हुई, दर्द होया, मैंने उसको बोला सिस्टर लोग उसको दवाई दो। और ऐसे बोल रहे आप कितना भर सकते हो, म्युनिसिपैलिटी बंद है, आप कितना भर सकते हो, म्युनिसिपैलिटी बंद है यहाँ पर। और कभी बोलते तो यहाँ पैसा भरने का काउंटर नहीं है, काउंटर नहीं है तो यहाँ पैसा क्यों मांग रहे हो हमसे? काउंटर नहीं है यहाँ पैसा भरने का, यहाँ पैसा क्यों मांगे हमसे शनिवार को? 57,000 बिल आया था उसमें कुछ कम कर। हाँ 51,000 बोला, फिर बाद में बोला 40,000 आज भरोगे तो ठीक है और म्युनिसिपैलिटी में भरोगे तो 51,000 भरना पड़ेगा। मतलब मेरे को रेशमा मैडम बोल रही है शाम को बिल निकाल के दे रही है, शनिवार को लोग ने बिल नहीं निकाला और बिल शनिवार को मांगा तो बोल रहे बिल नहीं, रुको रुको करके रात कर दी। और अप्रोल नहीं हुआ तो पेशेंट का फोटो क्यों खींचा गया कि तुम्हारा अप्रोल हो गया है, दवाई और फॉर्म दे के 20 रुपए का नोट भी था और 2 डॉक्टर भी थे उसके साथ, फोटो भी खींचा है, बोला फोटो क्यों खींचते हैं, जब वहाँ से पैसा आता है तो ही फोटो खींचा जाता है पेशेंट का, जब हम बिल भर रहे हैं, बिल भी भरवाने को बोल रहे हैं, तुम फोटो भी खींच रहे हैं तो हमारा अप्रोल पास हुआ होगा ना इधर। मैं आज यहाँ पे आया हूँ, हमारे पास गुरप्रीत करके आज हमारे ऑफिस में आए थे और उन्होंने कुछ इशू ऐसा बताया कि हमको 57,000 का बिल दिया गया है, जबकि जब ये हॉस्पिटल ओपन हुआ था कॉरपोरेशन के अंतर्गत तो ऐसा बताया गया था कि यहाँ पर कोई भी कैश काउंटर नहीं है, आपको यहाँ पे निःशुल्क सेवा मिलेगा। तो ये सेवा निःशुल्क बोल के ये प्रॉब्लम आज से 10 दिन पहले भी हुआ था और मैं इस पर्पज़ के लिए यहाँ पर आया था। तो जब यहाँ पर मैं आया तो एक इशू यहाँ पर ऐसा आया कि पेशेंट ने हमको कंप्लेन किया कि हमको यहाँ पर खाने में सिर्फ 2 रोटी दिया जाता है और थोड़ा सा चावल जिससे हमारा पेट नहीं भरता है। तो उसका हमने जब यहाँ पे मुद्दा डॉक्टर के यहाँ पे जो यहाँ के मेन डॉक्टर से हमने जब बात किया तो वो उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व किया है और अभी खाना सबको भरपेट मिल रहा है। लेकिन आज यहाँ पे ऐसा हुआ कि 57,000 का बिल जो पेशेंट को देगा, अगर उसके पास 57,000 होगा तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके क्यों नहीं इलाज करावे? ये कॉरपोरेशन के अंडरगत आता है तो यहाँ पर फ्री इलाज होता है ऐसा कॉरपोरेशन वालों भी बोलते हैं। और उल्लासनगर में ऐसा माहौल बना हुआ है कि मारल में जो भी हॉस्पिटल है अंतर्गत कॉरपोरेशन के वहाँ पे फ्री में इलाज है तो लोग यहाँ पे फ्री इलाज करने के लिए आते हैं। लेकिन एक पेशेंट ही नहीं, यहाँ पे आने के बाद
कम से कम ऐसे 4 पेशेंट का भी यहाँ पे कंप्लेंट आया जिसको बिल दिया गया है। तो ये सब लोगों का भी हम आज तो अम्मा से हमारी बात हुई और हमने यहाँ पे जो हेड है उनसे बात करके उनका हमने आज पैसा माफ़ कराया, मतलब उन्होंने विदाउट पेमेंट का आज उनको छोड़ दिया। लेकिन ये तो रूटीन हमेशा चलती रहेगी, यहाँ पे रोज का ये प्रॉब्लम है। तो हम नगर पालिका से और प्रशासन से और हमारे आमदार साहब से हम एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि ये प्रॉब्लम वापस क्रिएट नहीं हुए और यहाँ पे एक ऐसे सिस्टम बनाया जाए कि जो भी आवे, कोई भी राशन कार्ड, लाल पीला काला जो भी रहता है, अगर उसके पास राशन कार्ड है तो ये अप्रूवल वाला सिस्टम बंद करो। क्योंकि आप यहाँ पे एडमिट करते हो, फिर 15 दिन के बाद आप बोलते हो कि आपका राशन कार्ड अप्रूव नहीं हुआ है, आपका रिजेक्ट हुआ है। 15 दिन के बाद आप बिल आप दोगे 50,000 का, वो कहाँ से भरेंगे वो? तो ये सिस्टम में थोड़ा सुधार लाया जाए और नगर पालिका के अंतर्गत आ रहा है तो ये पूरा हॉस्पिटल सब लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाए, जैसे यहाँ पर बोला गया है। कोई भी यहाँ पर अगर बिल काउंटर नहीं है, कैश काउंटर नहीं है, तो पैसे का कोई भी सिस्टम यहाँ पर नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि आप अंडर टेबल बोल रहे हैं कि आप 50,000 बिल आए, 40,000 आप दे दो, आप चले जाओ, ये क्या है? ये तो लूट घसूट का काम चल रहा है यहाँ पे। संजय जी, भी देखा गया आमदार कुमार एलानी से आपकी फ़ोन पे बात हुई, क्या आश्वासन दिया गया? कुमार जी ने बोला कि मैं यहाँ के जो मेन डॉक्टर है डॉक्टर पॉल से मैं कल बात करूँगा, अभी वो बॉम्बे में है तो बात करेंगे कल, हमको क्या बुला के बोलते हैं देखते हैं। लेकिन हम हमारे आमदार साहब से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ का जो समस्या है, स्वयं आके यहाँ पर 2 दिन यहाँ पर आप रुकेंगे तो समझ में आएगा कि यहाँ पे लोग कितने परेशान हो रहे हैं बिल के लिए। तो ये सब सारी समस्या ख़त्म होनी चाहिए और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में इलाज होना चाहिए। एक पेशेंट को देखा गया जिन्होंने आपके साथ अभी कुछ देर पहले बताया कि वो लोग कुमार एलानी जी से मदद मांगने गए थे, उनको किसी भी प्रकार की आमदार कुमार एलानी द्वारा मदद नहीं की गई, तो क्या लगता है वो आपको इस मामले में मदद करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अभी हमने आमदार साहब से भी बात किया और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि कल डॉक्टर पॉल से बात करके ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व करेंगे। और हम जो हमारे लेवल पे है, अब हम ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ पे रोज़ आकर यहाँ पर हमको ये समस्या डेली का सुलझाना पड़ेगा। और ये जब तक समस्या सुलझेगा नहीं तब तक यहाँ पर हम आएंगे। अगर ये समस्या नहीं सुलझा 10 दिन के अंदर तो हम यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठेंगे हॉस्पिटल के सामने और ये समस्या समाधान करके लेंगे। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।